की तस्वीरें हैं इंदौर की, जहां एक 15 दिन के बच्चे को सड़क पर लावारिस हालत में छोड़ दिया गया है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और बच्चे को मेडिकल कराकर उसे चाइल्ड लाइन में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस बच्चे के माता पिता की तलाश कर रही है। हाँ, एक बच्चा मिला है, करीब 10-15 दिन का है, अंतिम चौराहे के पास में सात माता मंदिर है, वो मंदिर के पास से मिला है। 10-15 दिन की है। कैमरे वैमरे देखे हैं, अभी तलाश जारी है, कोई विवेचना में कुछ आया नहीं है अभी। वो बच्चे को हॉस्पिटल भेज दिया था वहाँ से इलाज के लिए, और चाइल्ड लाइन को फोन भी कर दिया था। ASI भगवान सिंह गुर्जर। पूरी घटना आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इंदौर के मलहागंज थाना क्षेत्र के अंतिम चौराहे पर रात में एक बच्चे के लावारिस पड़े होने की सूचना जो है वो पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो आसपास पूछताछ की गई। बच्चे के परिजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले बच्चे को मेडिकल जांच के लिए उसे चाइल्ड लाइन भेजा और चाइल्ड लाइन के सुपुर्द इस छोटे से 15 दिन के बच्चे को कर दिया है। बता दें कि बच्चा मंदिर परिसर में मिला था, चादर में लपेटा हुआ ये बच्चा जो है लावारिस रखा हुआ था सड़क के किनारे। वहीं बच्चे को लेकर आसपास के घरों में भी तलाशी ली गई, पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा, लेकिन कोई जानकारी पुलिस को अभी नहीं मिली है। वहीं आपको बता दें कि बच्चे का फिलहाल मेडिकल कराया गया है और बच्चा जो है वो स्वस्थ है और बच्चे को जो है जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे चाइल्ड लाइन भेज दिया गया है। वहीं बता दें कि पुलिस के मुताबिक जो बच्चा है वो करीब 15 दिन का बताया जा रहा है। पुलिस जो है वो गंगवाल बस स्टैंड और बड़े गणपति इलाके के CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। वहीं मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है। खबर इंदौर से भेजी है सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।